मैं सच बोल रही हूँ, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था. मेरी आई गेस गलती ये थी कि मैंने अपना दिमाग नहीं खोला. मैंने ये नहीं सोचा कि यार मे बी सम पीपल वुड क्वेश्चन हर इंटेंशन. हमजा और रूमी का हा हा वाला सीन है, पर जाने से हम ना ऑल सैड एंड स्टफ एक जगह इतना इतनी पॉजिटिविटी और इतनी मजे की केमिस्ट्री कॉमेडी, पर अचानक से डिप्रेशन. कोई भी कंफर्टेबल नहीं होता है ऐसा कैरेक्टर करने के लिए. आई नेवर डिड अ कैरेक्टर लाइक दिस बिफोर. इश्क किया मैंने हां मैं हारा. अस्सलाम वालेकुम, दिस इज राबिया मुकनी एट फुशा मैगजीन. और आज हमारे साथ कौन है? हमना फ्रॉम इश्क किया. हेलो रमशा, क्या हाल चाल है? बस ठीक ठाक चल रहा है, काम और जिंदगी चल रही है. लॉकडाउन यस सॉर्ट ऑफ या लाइक एवरीथिंग्स चेंज नाउ. इट्स अ बिट डिप्रेसिंग बट वी हैव टू एडजस्ट आवरसेल्व्स टू इट. सो रमशा, इस सारे लॉकडाउन में कोई एक नई चीज अपने बारे में डिस्कवर की? कोई नया? I can go really well. That's what I discovered, yeah. And the fact, and the other thing that I discovered is that I can gain weight easily. Yaar, I didn't know that because I used to go to the gym. I used to, you know, depend on gym so much. I didn't realize that. But जब lockdown हुआ, gym बंद हो गए, तो मोटापा चढ़ने लगा. But then I started doing workout at home, so I hope अब like control में होगा. Okay. I don't know. अच्छा मुझे ये बताओ, तो खाना तुमने बनाया, तो इससे पहले खाना नहीं बनाती थी कभी या कभी कभी बनाती थी? अच्छा नहीं. तो कैसे? बिल्कुल भी नहीं. ओके या आई जस्ट मैंने एक दो दफा बनाया बहुत पहले. एक दो बार मैंने दाल बनाई व्हेन आई वाज 16 इयर्स ओल्ड, एंड देन फिर मैंने ऑमलेट बनाती रही हूँ. देन आई डोंट नो व्हाई आई स्टार्टेड कुकिंग वाज आई वांटेड टू हैव माश दाल फ्राई. इट इज माय फेवरेट डिश. एंड कहीं से मिल नहीं रही थी, और अगर मिल भी रही थी दोस्तों के घरों से तो वो जरा पानी वाली मिल रही थी. सो आई जस्ट डिसाइडेड टू मेक माश दाल फ्राई. दैट्स नाइस. चलिए बात करते हैं हमना के बारे में, जिसके बारे में बड़े लोग बड़े इंक्विजिटिव हैं. सो हमने एक पोस्ट डाली कि भाई अगर आप हमना से रमशा से कुछ पूछना चाहें तो क्या पूछें. बड़े सवाल भी आए हमारे पास. तो मुझे मजा आ रहा है हमना का कैरेक्टर करके. मजा आया था? अब तो यू डन इट, तो जब कर रही थी तो आपको मजा आया? हमना के कैरेक्टर, टू बी ऑनेस्ट, मुझे मजा आया बिकॉज ऑफ द टीम ऑब्वियसली एंड माय को एक्टर्स. माशाल्लाह से सारे ही अच्छे हैं. हानिया इज अ वेरी गुड एक्टर, फिरोज, गौहर, तो उसमें मजा आया. बट हमना एज अ कैरेक्टर वाज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट. इट वाज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट बिकॉज इतना क्वाइट तो आई थिंक मरियम भी नहीं थी फ्रॉम कैसा नसीबा. इतना इतनी सीक्रेटिव एंड क्वाइट एंड कीपिंग यू नो टू हरसेल्फ टाइप का कैरेक्टर वाज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट. टू बी ऑनेस्ट मैंने डांटी भी खाई है भदर भाई से. बट या आई हैड फन. इट वाज जस्ट अ वेरी यूनिक एक्सपीरियंस बिकॉज़ आई नेवर डिड अ कैरेक्टर लाइक दिस बिफोर. इज हमना समथिंग लाइक यू इन रियल लाइफ या आप हमना जैसी? नॉट एट ऑल. I am extremely expressive. If I have something in my heart, I need to let it out. I need to, you know, if I care about someone, I need to talk to them and talk it out. And I do, you know, like I'm just very expressive. Aur jo cheez mere dil mein hoti hai, wo mere muh pe hota hai. Hamna is very secretive. She's very secretive. Yes, I can't confront exactly like Hamna. Ek cheez jo mere similar hai. I hate confrontations. तो एक वो चीज है. बट इफ आई शी इज अ लॉट डिफरेंट देन मी फॉर श्योर. ये बताएं सेट पे सबसे ज्यादा मजा किसके साथ आता था? कौन सबसे ज्यादा शरारतें करता था? कौन हर वक्त हल्ला गुल्ला मचा के रखता था? सबसे ज्यादा शरारतें तो हानिया करती थी. वो अपने कैरेक्टर की तरह बिल्कुल पूरे सेट पे सबसे हंसी मजाक करती थी. विरोज भी करता था. गौहर और हानिया तो मिलकर बहुत शरारतें और प्रैंक्स वगैरह करते थे. और हाँ, I was the neutral one, I guess. I was, you know, I guess character का असर भी पड़ता है आप पर. But yeah, सबसे ज़्यादा हंसाया तो हानिया ने, for sure. तो कोई किस्सा सुनाए कुछ शरारत की वो हानिया ने या गौहर ने मिलके या क्या? वैसे गौहर के बारे में that's a revelation. हमें नहीं पता था कि set पे he'll be so, you know, active in. Really? गौहर is extremely different from Azeem. He is the exact opposite. Ek dafa aisa hua tha ki Masha Allah she's such a good actress ki hamara first episode ka scene hai
जिसमें मैं घर आती हूँ, हानिया के इंट्रो का सीन है वो, इफ यू रिमेम्बर, जिसमें वो मोमबत्ती से पकड़ी हुई होती है. तो माशाल्लाह शी सो नेचुरल एट व्हाट शी डज के उसको हंसना होता है. मैं कहती हूँ क्या कर रही हो, and then she starts laughing and then I started laughing. I broke my character because I thought she's laughing in real life and then she was like, main acting kar rahi thi. I was like, oh god. So aise bahut si cheeze hain, I just don't remember because Hania ke sath beech mein spell tha, uske baad mera Gohar ke sath spell tha. Okay, to wo zara blur out ho rahi hai. Acha, to sabka sawal hai, hamari audiences ka bhi, hamara bhi, ki hum na kabhi hansegi drama mein ya kabhi nahi hansegi drama mein, hansegi bhi ya nahi? Okay, so the reason why she's not smiling or doing anything, you know, ke I'm sure ki aap log dekhte honge ki Hamza aur Rumi ka haha wala scene hai, par jaane se humna all sad and stuff. So I understand ki logon par hota hai ki, you know, ek jagah itna itna itni positivity aur itni mazey ki chemistry comedy, par achanak se depression. Humna is not getting a break. Humna is not getting a break from anyone. Hamza is constantly sending her uske voice notes, constantly harassing her. Phir at the same time Azeem ko shak hua hai, usko Rumi ki fikar hai, usko break hi nahi mil raha hai ki wo bed ke soche, is bare mein react kare, hase, khush hoye. And to be honest, main chahti to main wo generic acting mein kar leti, but Badar bhai, if you've seen Cheek, if you've seen Bala, if you've seen his work, he is very, you know, he tells his actors ki aapne natural rehna hai, aapne typical drama wala kaam karna hi nahi hai, aur jo ki I don't think is drama mein kisi ne typical drama wala kaam kiya bhi hai. To usko bhi dimag mein rakhte hue banda numb ho jata hai. Wo roi hai, wo shuru episode mein bahut roi hai, but wo ab kya kare, now she's just numb, she's just expecting, you know, worst thing to happen now. जब आप लोग इस कैरेक्टर को डिस्कस कर रहे थे, जब ये कैरेक्टर डिजाइन हो रहा था, आप बदर साहब के साथ बैठी होंगी, राइट? यू कैन मुझे डिस्कस. आई वांट टू नो कि कैसे, क्या थॉट प्रोसेस गया, क्या सोच के आप लोग, किस तरह डिजाइन किया आप लोगों ने हमना को, कोई सैंपल था, कोई रेफरेंस पॉइंट था? मुझे कुछ वेल रेफरेंस पॉइंट नॉट फॉर द कैरेक्टर, बट मुझे ये ब्रीफिंग मिली दैट शी इज वेरी डल एंड उसका पर्सोना इज डल एंड नो वेरी शाय टाइप एंड एक्सट्रीम इंट्रोवर्ट. आई वुड कॉल इट सोशली ऑकवर्ड बिकॉज यू डोंट सी हर कन्वर्सिंग विद एनीवन प्रॉपरली इन द ड्रामा. तो शी इज लाइक दैट एंड यू नो वहां पर हमारी प्रोडक्शन डिजाइनर थी जिन्होंने मुझे मेरे वार्डरोब का वो दिखाया था. सो मैंने कहा यार ये तो बिल्कुल ही आउट ऑफ फैशन वाले कपड़े हैं इसके यार. सो लाइक या बिकॉज़ शी डज नॉट केयर, रूमी इज द यू नो फैशन स्टाइलिश टाइप, शी डज नॉट केयर, शी डज नॉट केयर, शी वेयर्स आउटडेटेड क्लोथ्स, शी इज एक्सट्रीमली सिंपल. बालों को भी इन्होंने बोला कि आप बिल्कुल ही मतलब आए और ये कर लें बस. तो उससे ना समझ आ जाती है कैरेक्टर की, अच्छा जब स्टाइलिंग ऐसी है तो मतलब कैरेक्टर इज एक्सट्रीमली डल एंड यू नो आई वुडंट कॉल हर बोरिंग बिकॉज़ सच पीपल आर फॉर मी, ऐसे लोग आर मिस्टीरियस यू नो एंड आई गेट मोर क्यूरियस अबाउट देम. तो शी इज मुझे ये ब्रीफिंग जरूर मिली दैट शी इज यू नो डल एंड बिकॉज ऑफ द हालात एंड एवरीथिंग शी जस्ट शी कांट कन्फ्रंट सो शी कीप्स इट टू हरसेल्फ. तो फिर जब ये ब्रीफिंग मिली आप घर आई तो आपने दिमाग में क्या सोचा, आपने किसी को सोचा तो मुझे कैसे करना है, क्या आपने खुद दिमाग में कैसे डेवलप किया हमना का कैरेक्टर, अपने आप को कैसे लेकर आई हमना जोन में? टू बी ऑनेस्ट मेरा जो प्रोसेस है ना वो थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि मैं लोग आई गेस करते होंगे वीडियोस या मूवीज या शॉर्ट फिल्म्स देखते होंगे, मैं नहीं करती. I feel like मुझे वैसे करना चाहिए, I've never tried this. I can't mimic another person. मुझे बस ये होता है कि यार अगर मेरे साथ ऐसा हो तो मैं कैसे रिएक्ट करूँ, अगर मैं इस किस्म की लड़की हूँ तो फिर मैं कैसे रिएक्ट करूँगी, मेरे फेस एक्सप्रेशन कैसे आएंगे. मैं घर गई, मैंने सोचा, मैंने कहा यार यू नो मुझे बहुत था कि यार यू नो इट्स डिफिकल्ट कैरेक्टर है, इतने खास लाइन्स नहीं है और कुछ काफी सीन्स ऐसे हैं जिसमें चार लोग हैं, तीन लोगों की लाइन्स हैं और इसकी लाइन नहीं है यू नो. तो मैंने चैलेंज की तरह ले लिया, मैंने कहा यार इतनी अच्छी कास्ट है, हानिया है, फिरोज है, बदर भाई है,
और यू नो आई जस्ट ट्रस्टेड हिम. आई वाज लाइक यार कर लेते हैं, चैलेंज है, एक्सेप्ट कर लेते हैं. कंफर्ट जोन से बाहर जाके एक कैरेक्टर मिला है, बिल्कुल कंफर्टेबल मैं नहीं थी. ऑब्वियसली कोई भी कंफर्टेबल नहीं होता है ऐसा कैरेक्टर करने के लिए. तो मैंने सोचा मैं कर लेता हूं. कहानी भी मुझे अच्छी लगी टू बी ऑनेस्ट. एक्चुअली यू आर वेरी राइट बिकॉज यू राइट कि चार लोग बैठे होते हैं, तीनों के एक लाइंस होते हैं, हमना के पास कोई लाइन नहीं होती. एंड हमना को अपनी एक्सप्रेशंस के थ्रू अपनी फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, एंगर, कंफ्यूजन जो भी होती है वो उसको कम्युनिकेट करनी पड़ती है. सो यू हैव टू प्ले, आपको काफी अपनी आंखों के साथ खेलना पड़ता है, अपने एक्सप्रेशंस के साथ खेलना पड़ता है. जी तो डेफिनेटली वैसे ये पॉइंट मैंने नहीं सोचा था. सो आई हैव टू एडमिट के इट इज चैलेंजिंग, इट्स चैलेंजिंग फॉर यू. आप कह रही है वो कन्फ्रंट नहीं करती, वो थोड़ी सी डल है और वो है, लेकिन एक तो ये वो ऐसी है क्यों, स्पेशली जब रूमी ऐसी नहीं है, उसके माँ बाप ने कोई ऐसा नहीं दिखाया ना कि उसका कोई ट्रॉमा है या कुछ है. अगर बहुत सीरियस लोग भी होते हैं तो गुस्सा आता है तो वो कोई तो रिएक्ट करते हैं. हमना हैज नो रिएक्शन, यू नो. Why is that? Yeah, there is no reaction because I feel like there are people like that. I'm like that as well at times. Main as a person, mujhe gussa nahi aata. I know it's weird, but just the other day, main pooch rahi thi apne dost se, main kaha yaar, maine kabhi usse gussa kiya hai? Tum 4 saal se mujhe jaanti ho. She said, nahi yaar, maine tumhe kabhi gusse mein hi dekha. There are people like that. Humna ka to ye ki ek ke baad ek cheez aayi, ek ke baad ek cheez aayi. वो numb हो गई है. She is completely numb. और ऐसा होता है लोगों की जिंदगी में. मेरे साथ ऐसा हुआ है कि एक के बाद एक disappointment आ रही थी और मैं हो गई थी यार आने दो और भी worse होता है आने दो. तो I feel like this is the reason why वो react नहीं करती है. जहां उसका बनता है react करना, वो हल्का सा react करती है because एक तो एक ये बात है वो confront नहीं कर सकती. उसको confrontations you can tell. वो हमजा को कन्फ्रंट नहीं करती, वो रूमी को कन्फ्रंट करने से डर रही होती है. जब रूमी का रिश्ता आता है वो तब भी उसको हल्का हल्का सा बोलती है कि यार मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे समझ नहीं आ रही. बट उसके अंदर हिम्मत नहीं पैदा होती कि वो उसको बोले कि देखो ये मेरा यूनिवर्सिटी का एक्स था. तो आई फील लाइक दैट इज हर प्रॉब्लम. और फिर वो सोशली ऑकवर्ड भी है. सो दिस इज अ लॉट टू डू विद प्रोबेबली आई थिंक उसकी मेंटल स्टेट. Because you know, I think that's the reason. Uska nahi jo at least jo maine play kiya to mujhe to ye lag raha hai. To jab script pehli dafa aaya aapke paas, to padh ke kya reaction tha? Pehli baar mein you said ki haan main kar lungi. What was one thing that tempted you to do this role? Nahi, maine pehli baar pe nahi kaha tha kyunki mujhe character ye wala nahi mila tha. मुझे दूसरा कैरेक्टर मिला था. बट मैंने फिर बाद में मैंने जब मीटिंग की, मतलब वैसे मैं उनसे बात बात की तो मुझे ज्यादा समझ आई. और फिर जो मुझे कैरेक्टर चाहिए था वो मुझे मिल गया और मैंने कर लिया. यू वर ऑफर्ड अनदर कैरेक्टर फर्स्ट. या आई वुड हैव बीन इंटरेस्टेड टू डू दैट एज वेल. तो वो क्यों मना किया, वो क्यों नहीं किया, ये इससे ज्यादा ये ज्यादा क्यों रिलेट कर पाई आप? I feel like because मैंने उस किस्म का character already कर लिया था माहे तमाम में, so I just didn't want to, you know, I didn't even say no, but my preference was Hamna because I was like यार ये बहुत difficult character, again comfort zone के बाहर, and मुझे challenge अपने आप को करना बहुत अच्छा लगता है. तो इस वजह से मैंने कहा कि ये इतनी quiet और ये वो I want to see कि मैं क्या कर सकती हूँ उसके साथ. इस तरह से मैंने उनको बोला कि आप देख लें. बट फिर मुझे यही कैरेक्टर मिल गया एंड आई वाज हैप्पी. ओके, तो अभी आपने शुरू में बोला कि बने भाई से कभी कभी डांट भी पड़ती थी, तो किस बात पे डांट पड़ी, क्या क्या नहीं करती थी या क्या करती थी जिससे वो कहते थे कि क्या कर रही हो रमशा? डांट इस बारे पड़ती थी कि कभी कभार एक्टिंग पर या कभी कभार सेट पे उनको बहुत बुरा लगता है जबकि हम एक बहुत इंटेंस सीन कर रहे हैं और कोई फोन में घुसा हुआ. तो मेरे साथ मसला था, आई वाज एडिक्टेड टू इंस्टाग्राम एंड फेसबुक. तो मैं जब भी वो होता था कट होता तो मैं फोन में घुस जाती थी. तो उन्होंने मुझे एक दफा डांटा, उन्होंने कहा फोकस करो, ये क्या कर रही हो तुम, तुम्हारा तो मुश्किल कैरेक्टर है, तुम सोचना चाहिए इस बारे में. तो ये होता था. उन्होंने
का हम ना कहीं ज्यादा एक्साइटमेंट ना शो कर दे सीन में, जो कि हम ना को नहीं शो करनी है इंस्टाग्राम पर. एग्जैक्टली, हम ना के लिए फोकस चाहिए होता था टू बी ऑनेस्ट. आई ट्राइड माय बेस्ट राबिया, आई ट्राइड माय बेस्ट. मुझे नहीं पता कि, मुझे पता है बल्कि लोगों को समझ नहीं आई हम ना, एंड दैट्स परफेक्टली फाइन. दैट्स परफेक्टली फाइन बिकॉज वो ऐसी, वो ऐसा कैरेक्टर है ही नहीं जो कि आई गेस सब लोगों को समझ आए. जिनको समझ आया दैट्स रियली गुड, बट ये बहुत कॉम्प्लेक्स, इट्स वेरी डिफिकल्ट कैरेक्टर. मैं भी जब टीवी पे देखती हूँ मैं भी कहती हूँ यार क्या सीन है उसका, इवन दो आई प्लेड इट, बट यू नो शी इज जस्ट, शी इज वेरी डिफरेंट. बट मुझे एक बात बताएं, आपने खुद बोला कि लोगों को समझ नहीं आई इस कैरेक्टर की. जब आपने ये कैरेक्टर लिया था, आप सोच रही थी, आपका क्या ख्याल था कि लोगों को ये समझ नहीं आएगी? आपकी एक्सपेक्टेशंस ये थी या ये नहीं एक्सपेक्ट था? मुझे, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैं सच बोल रही हूँ, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था. बिकॉज जिस विजन से मैंने ये स्क्रिप्ट पढ़ा, जिस विजन से मैंने हमना का कैरेक्टर देखा, मेरी आई गेस गलती ये थी कि मैंने अपना दिमाग नहीं खोला. मैंने ये नहीं सोचा कि यार मे बी सम पीपल और मोस्ट ऑफ द पीपल वुड क्वेश्चन हर इंटेंशंस या सोचेंगे भाई ऐसा क्यों हो रहा है. बट मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था. बट जब हुआ तो यू नो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, मतलब इट डिड नॉट बॉदर मी बिकॉज मैं जानती हूँ, मैंने अपनी जान मार दी थी इस कैरेक्टर में और मैंने बहुत साफ नीयत से ये कैरेक्टर किया. बट इट्स फाइन, आई होप कि आगे जाके एपिसोड में लोगों को समझ आ जाए हमना की आई एम नॉट सेइंग दैट हमना इज अ परफेक्ट कैरेक्टर या शी इज अ परफेक्ट even heroine, you know, she has flaws jo logon ne sahi se point out kiye, and I completely understand that, but I just hope that logon ka vision change ho jaye, logon ka perception change ho jaye humna ko lekar aane wale episodes mein. But then it's nice na Ramsha that you are doing a character which has so many layers, because I feel hamare drama mein sabse bada masla ye hota hai ki bade one dimensional characters hote hain na, layers nahi hoti hain aapke characters. Yes. Layers hai, theek hai. और फिर आई थिंक इट्स, दिस इंटरव्यू इज रियली इंटरेस्टिंग बिकॉज ये एक बड़ी हमना की साइड से लोगों को एक स्टोरी बताएगा. जैसे सोशल ऑकवर्डनेस की बात, कंसंट्रेशन की बात, जो लोगों ने नहीं शायद सोची है, अब आपने हाईलाइट किया तो सोचेंगे मुझ जैसे लोग एटलीस्ट. फिर दूसरी बात ये कि आई थिंक व्हाट आई वांट टू सी ऑन बिहाफ ऑफ एवरीबडी एल्स फ्रॉम द ऑडियंसेस टू यू इज दैट हम हमना के लिए रूट करें. वी वॉन्ट, हमें बुरा लग रहा है कि हमना के साथ पहले तो उसको मोहब्बत वाला जिससे वो करती थी वो मिला नहीं, फिर मियाँ मिल गया तो रिलेशनशिप नहीं हो पा रही है. तो एक्चुअली जो है लोग हमना के लिए फील कर रहे हैं, इसलिए लोग बोल रहे हैं कि भाई तो कुछ कर क्यों नहीं रही हो, यू नो. जी, यू वर मेंशनिंग के यू आर वेरी बिग ऑन सोशल मीडिया लाइक इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, ट्विटर, क्या चेक करती हैं आप? आई वाज बिग ऑन इंस्टाग्राम, बट आई डोंट नो, लाइक इट्स नॉट लाइक आई हैव लॉस्ट इंटरेस्ट, बट I prefer Facebook because Facebook pe funny videos hoti hain, and you know the cat and dog videos, I love them. But I love interacting. My Instagram is for my fans. I love interacting with them. I love getting to know their feedback. मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब वो मुझे बताते हैं कि यार ये episode अच्छा लगा, ये episode समझ नहीं आया, तो मैं Instagram सिर्फ उनके लिए use करती हूँ. तो Facebook तो एपिसोड आ जाती है तो फिर जाके सबसे पहले फॉरन चेक करती हूँ सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे क्या लोग कमेंट कर रहे हैं, क्या ट्विटर पे आ रहा है. डू यू डू दैट? आर यू दैट? आप हैं इस तरह की? ट्विटर तो नो, नॉट सो मच. आई हैवंट यूज्ड माय ट्विटर इन अ लॉन्ग टाइम, बट यस मैं जब एपिसोड आता है तो मैं अपना एपिसोड मिस नहीं करती हूँ. मैंने अपने किसी भी ड्रामे का एपिसोड मिस नहीं किया, आई नीड टू. जी जी, because as an actor's point of view, I need to see, मुझे देखना होता है कि मैंने कहाँ कहाँ गलती की है, कहाँ कहाँ मैं इम्प्रूव कर सकती थी, तो उस वजह से मैं अपने सारे एपिसोड देखती हूँ. तो अगर मैं शूट पे हूँ, मैं बिजी हूँ, तो मैं यूट्यूब पे जाती हूँ, मैं कॉमेंट्स पढ़ती हूँ. बाकी when I log into Instagram, तो मैं आपका होता है ना, जो आपकी स्टोरी मैंशन होती है, तो आई डू चेक दैट आउट एज वेल. बट और अगर कुछ ज्यादा ही फारिग हूँ तो मैं डीएम्स भी देख लेती हूँ. सो अब हम इसी की बात करें रिएक्शन की, और पहले भी आपने खुद ही बोला कि यू वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि कुछ लोगों को ये चीज समझ नहीं आई. तो अब जब ये बड़े किस्म के कमेंट्स आते हैं लोगों के, तो आप कैसे डील करती हैं, स्पेशली अगर नेगेटिव कमेंट्स आते हैं हमना के बारे में और लोग बोल रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं,
सो हाउ डू यू डील विद देम? आप रिस्पॉन्ड करती हैं, नहीं करती हैं, साइकोलॉजिकली इमोशनली कैसे अपने आप को बैलेंस रखती हैं इस चीज पे? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ना ये लॉकडाउन के दरमियान जो हमना को हेट्रेड मैंने लग गया था, तो आई सॉ आई रेड द कॉमेंट्स एंड इट डिड अफेक्ट मी ऑब्वियसली, क्योंकि मेहनत की थी, बहुत ज्यादा मेहनत की थी. बट देन यू नो आई रियलाइज्ड एंड इट आई डिडंट लेट इट अफेक्ट मी बिकॉज आई रियलाइज्ड, आई वाज लाइक यार चलो कुछ नहीं होता, यू नो मे बी हम ना, अगर मैंने फिर मैंने वापस एपिसोड देखे, मैंने कहा हाँ कहीं कहीं उसकी गलती थी, बट वो भी मजबूर थी. सी द थिंग इज दैट व्हाट अ लॉट ऑफ पीपल मिस्ड आउट ऑन वाज द फैक्ट कि वो अपनी बहन को बताना चाह रही थी, बट बिकॉज रूमी इज सो मूवहट, यू नो शी इज सो मूवहट एंड शी इज लाइक ऑल आउट देयर, तो शी कुडंट, और शी इज वेरी सीक्रेटिव, यू नो सीक्रेटिव बहन भाई होते हैं, मेरी अपनी बहन बहुत सीक्रेटिव है. And I know a lot of secretive behind why. But other than that, you know, फिर लोग कहते हैं कि इसकी बहन को क्यों नहीं पता चला that she's sad, इसके मावा को क्यों नहीं पता चला, वो क्यों नहीं दिख रहा that she's sad. कभी कभार ऐसा होता है कि जब आपकी शादी तय हो जाती है, आपकी फेस पे भी आता है, आपके पेरेंट्स इग्नोर करते हैं कि इसकी शादी हो जाएगी, ये भूल जाएगी, ये खुश हो जाएगी, यू नो दे अज्यूम किया मेरी इसकी शादी होने वाली, और एक दो सीन्स में था जिसमें मेरी अम्मा कहती हैं क्या हो गया तुम्हें, तो मुंह लटकाए बैठी हूँ. सो ऐसा नहीं है कि दे कम्प्लीटली इग्नोर मी, बट या शी इज द ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली. तो ये इस परसेप्शन से मैंने हमना को किया, और मैंने ये परसेप्शन भी कंसील किया जब मैंने खुद इश्क किया देखा. अब लोगों के पास ऑब्वियसली अलग हो थे, तो इट्स कम्प्लीटली फाइन एज लॉन्ग एज सी ये प्रोजेक्ट सिर्फ मेरा नहीं है, ये प्रोजेक्ट हानिया का है, फिरोज का है, गौहर का है. What I was happy about, yaar, Firoz and Hania ke scenes made me laugh. Hania ke scenes with me and Gohar, that made me laugh. Yeah. So I was just happy ki chalo, you know, at least project mein logon ko kuch to acha lag raha hai, you know. So that's fine. That's completely fine. Logon ke apne perception hote hain. I don't mind at all. And I shouldn't be, main kyun logon ke perception change karne ki koshish karun? Yeah. I just hope ke unko aane wale episode mein हम आपकी समझ आए थोड़ी सी. आपको लगता है कि जो आपका कैरेक्टर जो है वो इतना खामोश, इतना दबा दबा सा जो है, वो इसकी वजह से बिकॉज ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ा सा नीचे फोकस में आ रहा है, और हमजा और रूमी ज्यादा हो रहे हैं बिकॉज उनके कैरेक्टर्स लाउड हैं और सब कुछ है. अब आप जब सोच रही है बाद में, तो आप सोचती है कि मे बी इस कैरेक्टर को डिफाइन थोड़ा सा करते हुए ये स्क्रिप्ट आपको नहीं लेना चाहिए था, कुछ ऐसे थॉट्स आते हैं? नॉट एट ऑल. मुझे कोई रिग्रेट नहीं है. ना ही मुझे ऐसा फील होता है कि मेरा कैरेक्टर इग्नोर हो रहा है, बिकॉज कहानी शुरू ही मेरे कैरेक्टर की गलती से हुई थी, तो मुझे ऐसा नहीं लगता बिल्कुल भी. आई एक्चुअली लाइक आई सेड, आई एंजॉय हानिया एंड फिरोज सीन्स, मुझे बहुत मजा आता है उनके सीन्स देखने में. और अगर मेरा कैरेक्टर को कुछ लोगों को समझ नहीं आ रही, that's fine because there are people who still understand humna, you know. So the fact that, you know, my character is getting discussed, the fact that there is a debate going on, yes, you know, humna ko lekar, yeah, that is just wo meri satisfaction hai, you know. But wo cheez aati hai, ek insaan drama nahi banata, ye aapke paas isme char characters hai, yeah, aur wo char characters agar drama bana rahe hain, to I am more than happy. नहीं, सही. हमजा के साथ, रूमी हमजा के साथ आपकी कैसी रिलेशनशिप है? उसको डिफाइन किया था, कुछ सोचा था, या बस ऑटोमेटिकली ऐसी हो गई कि इसी तरीके से होना था? उस पर कुछ थॉट प्रोसेस गया था कि नहीं इनकी ऐसी एक्सप्लोसिव होनी चाहिए, यू नो लाइक, बिकॉज आई सी हमना रिएक्टिंग टू हमजा, वो और किसी को रिएक्ट नहीं करे, वो हमजा को रिएक्ट करती है, यू नो दैट्स अ स्पार्क ऑफ लाइफ देयर. तो yeah. ये एक सोचा समझा वो था या ये by chance हो गया? नहीं, I worked with Firoz. मैंने अपना पहला सीरियल फिरोज के साथ किया था, तो जो बिफोर शादी वाले जो सीन्स हैं हमजा के साथ, वो तो हमारा वो एक नेचुरल अंडरस्टैंडिंग. आई नो फिरोज सिंस लाइक 5-6 years. तो आप जब किसी के साथ इतने कंफर्टेबल हो ना, तो वो आई गेस केमिस्ट्री भी आ जाती है और वो सब चीजें हो जाती हैं. तो
हमना ओनली रिएक्ट्स टू हमजा बिकॉज हमजा कीप्स पुशिंग हर. वो उसको थ्रेट करता है, वो उसको ब्लैकमेल कर रहा होता है और हमना इज वेरी, पता है वो एक, मैं कहूंगी कि एक डरपोक लड़की है. जैसे डरपोक नहीं होती कि यार उसकी डरपोक की वजह से, उसकी ये कन्फ्रंटेशन ना होने की वजह से उसकी बहन अब उसकी बहन की शादी बेसिकली हो गई है उससे, और उसकी चीजों इसकी वजह से ना, इसकी ये ट्रेट की वजह से बहुत चीजें खराब हुई हैं. बट या मैंने कुछ सोचा नहीं था. कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, हमजा के साथ मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था. वो बस लाइंस ऐसी थी, सीन्स ऐसे थे और वो खुद ही रियली गुड एक्टर यार, फिर वो रियली गुड एक्टर. तो वो जब आप सामने से खड़े होते हो तो वो ऑटोमेटिकली रिएक्शन आ रहे होते हैं. Working with Gohar, is this the first play you were doing with Gohar? Yes, I know Gohar since 3 years, and ever since I've known him, I used to say ki yaar kab kaam karne ka mauka mila, because I'm a fan of his work. Okay, I feel like Gohar is one of the best actors we have in Pakistan. Mm-hmm. And finally, jab kaam karne ka mauka mila, to mujhe bahut acha lagta, because he's also a very good actor like Firoz. So for me, acting is all about reactions, especially if you don't have any lines like me. So you know, agar aapke samne wala actor itni achhi lines de raha to wo reactions khud hi aa jate hain. To mujhe Gohar ke saath bhi bahut maza aaya. I learned a lot from him. Main baith ke literally main acting discuss karti thi ki ye kaise hoga, wo kaise hoga. So he helped me a lot. Acha mujhe bataye, you think Hamna is selfish? I don't think so, because you know I played her, so I know ki wo kis niyat se sab cheeze kar rahi thi. Like I said, uska sabse bada masla hai confront karna, aur uski wajah se na ek ke baad ek masla hota gaya. To I don't think that she's selfish. She is concerned for Rumi. Last episode jispe breakfast ka scene hota hai jab ye log honeymoon pe jaate hain, to you know jab अजीम भाई अजीम वो करते हैं, पूछते हैं कि भाई क्या हो गया है रूमी. सो देन यू नो वो हमजा को देखती है और फिर रूमी को देखती है कि क्या हो गया, सब कुछ ठीक है. तो शी इज कंसर्न, बट वो कहीं ना कहीं जब वो देखती है ना कि इन दोनों के बीच में प्यार है, रूमी प्यार में पागल हो रही है, हमजा भी इसको बता रहा है कि आज तुम्हारी बहन मुझसे बेटी लड़ी है, तो आई थिंक शी इज लाइक अच्छा ठीक है. बट उसके गार्ड्स अलर्ट होते हैं फॉर श्योर. आई डोंट थिंक दैट शी इज सेल्फिश. लेकिन वो रूमी को, मतलब रूमी को जाने दे रही है. हमजा क्या है? यू थिंक हमजा विलन है, हमजा हीरो है, हमजा टॉक्सिक है, क्या है हमजा? हाउ डू यू वेल जजिंग बाय द रीसेंट एपिसोड्स, आई फील लाइक हमजा इज मैनिपुलेटिव. बिकॉज आई डोंट नो लाइक मैं भी, क्योंकि बिकॉज जो उसके सीन्स हानिया के साथ हुए तो ऑब्वियसली वो मैंने नहीं देखे, बट जब मैं वो ड्रामा देख रही होती तो मैं सोचती हूँ कि यार what is his deal? Yeah. Is he maybe viewers ke saath main khud soch rahi hu, what is his deal? Is he in love with Hamna? Yeah. But I don't think he's in love with Hamna anymore. I think he's just doing it out of pure revenge. I do believe that he has started to fall for Rumi. But yeah, he is toxic of course because of his revenge thingy that he's doing. I mean, he married Rumi out of revenge. So that is not a good trait. I wouldn't call him a hero. I would call him a villain, to be very honest. But a very grey villain. Not even a villain, but a very toxic. You know, I don't think aajkal ke jo is kisam ke drama hote hain, jo is kisam ka genre hota hai, bahut you know, zara isme villain nahi hota. Isme aapka grey character hoga. Isme koi heroine nahi hai. You know, everybody just has their own battle going on. So I think Hamza ka bhi yahi scene hai. He has his own battle going on and only Firoz can justify ki Hamza aisa kyun kar raha hai uske dimaag mein. Because see, real life mein kya hota hai, main kisi ke sath bura kar rahi hu, mere paas uska reason hoga. Meri zindagi mein main heroine hu, main victim hu agar main kisi ke sath bura bhi kar rahi hu to. So I guess that's this thing with Hamza as well. He was the most difficult for me to. The most difficult scene is the one jo episode 20 ne confession wala hai. That was the most difficult scene for me in the whole drama. And
To be honest, it is because of the intensity, the emotions. एक प्रेशर था मुझ पर कि दिस इज द यू नो टर्न ओवर पॉइंट फॉर हमना एंड अजीम. यू नो नहीं पता आगे हमना को कि क्या होगा उसके साथ या क्या रिएक्शन क्या होगा अजीम का. तो वो सब चीजों की वजह से इट वॉज वेरी डिफिकल्ट एंड द लाइन्स वर सो ब्यूटिफुल के और इतनी खालिस उर्दू वाली लाइन्स थी कि उनको याद करने में थोड़ा मसला हो रहा था. बट मोस्टली इट वॉज द प्रेशर ऑफ यू नो of emotions that Hamna was going through. It was her, she was having a complete meltdown. So that was the most difficult. And another, ek aur scene hai jo bahut mushkil hai, wo maine bataungi. Uska jab promo aayega to samajh aa jayega. Similar scene hai. You know, bahut mushkil aur bahut se emotions and intense, bahut intense scene hai. The new project jis pe aap kaam kar rahi hain, hum abhi uske bare mein before recording hum discuss kar rahe the. तो क्या हम मंशा को एक नए रोल में देखेंगे, एक नए तरीके से देखेंगे, या क्या कुछ बताएं हमें उसके बारे में? जी बिल्कुल, आप लोग मुझे बिल्कुल एक अलग कैरेक्टर में देखेंगे. माय नेक्स्ट प्रोजेक्ट कुड बी स्कैंडलस बिकॉज आई डोंट थिंक इट्स फॉर एवरीवन. इट्स अ वेरी डिफरेंट प्रोजेक्ट. मैंने ऐसा प्रोजेक्ट कभी जिंदगी में नहीं किया. इसमें इतनी वैरायटी और इतनी इतनी इतना मार्जिन एक्टिंग का और इतनी मजे की लाइन. इट्स रिटन बाय फसी बारी. सो ही इज सच अ गुड राइटर. इनकी पंच लाइंस, यू नो, इट्स सो गुड. होपफुली इट इज समथिंग दैट आई हैव नेवर डन इन माय होल एंटायर लाइफ एंड आई होप दैट दिस जो प्रोजेक्ट मेरा अपकमिंग प्रोजेक्ट है वो लोगों को अच्छा लगे. आई डोंट नो वी कब ऑन एयर होगा. Hopefully jaldi, because we're trying to wrap it up as soon as possible. So I feel like shayad hi jaldi hi isko on air karna cha rahe honge. But I'm not sure abhi tak to. Abhi to bahut kaam rehta hai. Who's your co-star in it? Well, we have Bahajali. Okay. We have Shahud Alvi, Shahud Bhai. We have Saba Hamid. We have Saba Faisal. Yeah, we have Sameena Ahmed as well. जबरदस्त कास्ट है यार वहां के साथ. दैट वुड बी इंटरेस्टिंग. शाहूद या आई होप सो. या दैट वुड बी रियली इंटरेस्टिंग. रमशा थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. वी रियली अप्रिशिएटेड के आपने इतनी पेशेंटली मेरे सारे सवालों का जवाब दिया. किसी पे भी मना नहीं. बट दिस वाज मच नीडेड. आई फील लाइक यू नो थ्रू योर प्लेटफॉर्म एटलीस्ट आई होपफुली आंसर्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो ऑडियंस के थे, व्यूअर्स के थे, बिकॉज यू नो हम ना सबको नहीं समझ आ रही थी. तो थैंक यू सो मच राबिया फॉर आस्किंग मी दोज क्वेश्चंस एंड हेल्पिंग मी क्लैरिफाई, होपफुली क्लैरिफाइंग हमनाज इमेज कैरेक्टर. या आई थिंक इट वाज वेरी नाइस टू हियर थिंग्स फ्रॉम हमनाज साइड. एटलीस्ट फॉर मी, मुझे बड़ा मजा आया क्योंकि मैं भी उन्हीं ऑडियंसेस में थी कि हमना क्यों नहीं बोल रही है, क्यों नहीं बोल रही है. तो अब हमें हमना ने बताया कि भाई मैं इस वजह से नहीं बोल रही हूँ, समझो मेरी साइड को भी. सो दैट वो लड़की नहीं है, बस ये समझा वो लड़की है ही नहीं. वो सोशली ऑकवर्ड है, वो कन्फ्रंटेशन से भागती है. बस दिस इज द रीजन व्हाई शी इज नॉट स्पीकिंग अप, बट शी विल. रमशा लास्ट में एनीथिंग दैट अभी कोई एक मैसेज आप देना चाहेंगी ऑडियंसेस को या कुछ? एंड देन बिल्कुल देना चाहूंगी. मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि कोरोना की वजह से बहुत सी चीजें अजीब हो गई है, बस उलट पुलट हो गया सब कुछ. और आई अंडरस्टैंड कि बहुत लोगों को एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, बहुत लोगों की जिंदगियां बहुत मुश्किल में चली गई हैं. बट प्लीज 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 आई ऑल्सो सी अ लॉट ऑफ पीपल नॉट वेयरिंग मास्क एंड नॉट फॉलोइंग SOPs. सो प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज अपना एहतियात करें. अपना नहीं तो अपने बुजुर्ग का सोचें, अपने घर पे आपके बच्चे हैं तो उनका सोचें. मास्क पहने, gloves पहने, social distancing maintain करे. we really need it. Okay. And we need to help our government in this, to be honest. ये चीज़ कहना चाहती हूँ. और please रात चलते किसी you know stray dog या किसी stray cat को आप देखते हैं उसको जरूर पानी अगर आप दे सकें उनको दें, उनको खाना जरूर दें. be kind to animals as well. And मैं recently beach पे shoot कर रही थी और मैंने देखा beach पर प्लास्टिक के कैंस
मैं लहर पे शूट कर रही थी, वो लहर आई मेरे पाँव को टकराई और कुछ मुझे फील हुआ, जब लहर गई तो वो कैंस और प्लास्टिक के वो रैपर्स एंड एवरीथिंग. सो वी, दिस इज अनदर सीरियस प्रॉब्लम वी हैव इन आवर कंट्री. एंड बस यार आई जस्ट सिविल रहे, और अभी तो सबसे पहले प्रायोरिटी में मास्क पहने एंड प्लीज एहतियात करें प्लीज. एहतियात करना होगा क्योंकि कोरोना कुछ लोगों को लगता है नहीं है, बट मेरी अपनी फैमिली में कुछ लोग आर इन क्रिटिकल कंडीशन एंड यू नो वन ऑफ देम हैव डाइड बिकॉज ऑफ कोरोना. सो दिस इज नॉट समथिंग दैट एक you know, it's not a conspiracy, it's actually real. So I feel like hame ehtiyat karna chahiye. It's like a very serious message. No, bilkul, you're absolutely right. Thank you so much for your time, and we wish you all the best for your new project. Thank you so much. Thank you for having me, Rabia.